नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर के नीचे लगाए जाने वाला तकिया आपको रातों रात मालामाल कर सकता है? सोते समय तकिए के नीचे ये एक चीज जरूर रखें और देखें चमत्कार, रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, आमदनी होगी दुगनी। दोस्तों, रात को सोते समय हर किसी व्यक्ति को तकिए की आवश्यकता जरूर होती है। दिखने में भले ही मामूली सा तकिया हो, लेकिन हर मामूली चीज मामूली नहीं होती। अक्सर आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसे सोने के लिए सोने का तकिया नहीं बल्कि मामूली तकिए की ही जरूरत पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखने में भले ही तकिया मामूली हो, लेकिन उसका सही उपयोग कर आप रातों रात अपना भाग्य चमका सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो एक चीज है जिसे तकिए के नीचे रखकर सोने से आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। इसका असर सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। जो व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है वो ये उपाय जरूर करके देखिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। दोस्तों, बजरंगबली के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, नंबर एक, पॉजिटिव एनर्जी से भरा मोर पंख। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और कामयाब हो जाने के लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख अवश्य रखें। इसका असर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देता है। दुर्घटना से भी मोर पंख आपको बचाता है। जब आप सुबह उठे तो तकिए के नीचे से मोर पंख उठाकर उसके दर्शन अवश्य करें, परिणाम अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर दो, तकिए के नीचे रखें तुलसी पत्ता। रात को सोते समय तकिए के नीचे 4-5 तुलसी पत्ते रखने से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, सुबह उठे तो तुलसी का पत्ता खा लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है और बीमारियां भी आपको छू नहीं सकती। लेकिन याद रहे, तुलसी पत्ता शाम के वक्त ना तोड़ें और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तुलसी का पत्ता आपके दांतों से टच नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको तुलसी का पत्ता चबाना नहीं है। आप या तो पानी के साथ या ऐसे ही बिना चबाए किसी तरह से ग्रहण कर लीजिए, लेकिन तुलसी का पत्ता दांतों से भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा होता है जो कि आपके दांतों को खराब कर सकता है। दोस्तों, नंबर तीन, तकिए के नीचे रखें 1 रुपए का सिक्का। रात को सोते समय तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखने से और सुबह उठने के बाद उसे किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है, आपका भाग्य चमक सकता है। ऐसा महीना भर करने से धीरे धीरे व्यक्ति के दोष कम होते हैं और उस पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, नंबर चार, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक स्थिति में ना हो तो ऐसे में आपको तकिए के नीचे चांदी का सिक्का अवश्य रखना चाहिए। वहीं मंगल ग्रह दोष को दूर करने के लिए और यदि कुंडली में बुध ग्रह के दोष हैं तो तकिए के नीचे सोने चांदी से बने आभूषण अवश्य रखने चाहिए। इन सभी दोषों से छुटकारा जल्दी मिलता है और व्यक्ति हो जाता है मालामाल। दोस्तों, नंबर पांच, तकिए के नीचे रखें धार्मिक वस्तु। तकिए के नीचे धार्मिक वस्तु रखकर सोने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और किसी भी बात का भय उसे नहीं सताता, बल्कि कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है और व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स, जिसका परिणाम सुखद होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की।